हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, सोच रही थी, सोच रहे थे। तो आप जेंडर अपने हिसाब से इसको रिस्ट्रिक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के जेंडर को आपसे बेटर तो कोई और जानता ही नहीं होगा, ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कल रात वो क्या सोच रहे थे, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें। आप मेरी वीडियोस को अगर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस भी, डिफरेंट टॉपिक्स को, उन टाइटल्स को भी पढ़ते हैं जो आपसे मैच नहीं करते, देन आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। लेकिन वो टाइटल्स जो आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी सिचुएशन फिट नहीं होगी, तो आई थिंक दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि कुछ दिनों पहले किसी ने, मैंने एक अब तक सिर्फ एक ही वीडियो वो अपलोड की है जो 40 to 45 से अबव या 50 प्लस लोगों के लिए भी रीडिंग मुझे बहुत किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने वो रीडिंग की थी। उसको भी थोड़े दिनों पहले किसी ने पढ़ा और उस पर कमेंट किया कि मैं इस एज ग्रुप का नहीं हूँ, या नहीं हूँ, गर्ल थी या बॉय थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे मैसेज याद है। तो मुझे अच्छा लगा कि जो है वो रीडिंग बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि उसमें ये मैसेज भी था कि वो रीडिंग आपके पेरेंट्स या अपने एल्डर सिबलिंग्स के लिए भी हो सकती है। तो इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, आप रीडिंग्स देखते हैं, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैसेज आप वही लीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो उनको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिए। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके मुतालिक क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। लेट्स सी एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। अच्छा, राइट ऑफ द बैट बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आप लोगों में बातचीत नहीं चल रही, ठीक है। और ये क्यों नज़र आ रहा है? एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, हैंगमैन पाइसिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और द हर्मिट वर्गो। ये जो तीन कार्ड्स हैं, इससे लग रहा है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, और अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत ही लेस टू नो कॉन्टैक्ट है, ना होने के बराबर। कल रात आप दोनों क्या सोच, आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन आप मूव ऑन किसी मखसूस वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि आप खुद स्टक हैं, और वो खुद भी सिचुएशन को लेकर स्टक हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को बेटर भी करना चाहें तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो चाहते हुए भी इसके अंदर कोई अपना इनपुट नहीं डाल पा रहे, इक्वल बैलेंस नहीं कर पा रहे, इक्वेशन को बैलेंस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और प्लस आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, आप दोनों थिंकिंग और मेंटालिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी आप दोनों की नहीं है। आपके पार्टनर कोई स्कॉलर हो सकते हैं, कोई टीचर, कोई काउंसलर हो सकते हैं, और काफ़ी मैच्योर उनकी थिंकिंग है, जिसकी वजह से आपको ये फील होता है, एक फियर है, आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि और ये आप भी हो सकते हैं जो व्यूअर्स हैं मेरे, आपके पार्टनर कल रात ये बहुत सोच रहे थे कि इसको कन्विंस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक लेनी पड़ेगी। ये बात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि अगर मुझे बैलेंस मेंटेन करना है इस रिलेशनशिप के अंदर, अपना इनपुट डालना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, तो मुझे बहुत लॉजिक के साथ आना पड़ेगा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होके आना पड़ेगा। ये बात तो वो कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, और एक चीज़ तो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप जा चुके हैं, आप इस रिश्ते में मौजूद नहीं हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा वो कल रात सोच रहे थे, और काफ़ी सोल सर्चिंग में भी हैं। उनको अपनी लाइफ के दिए हुए तमाम एक्सपीरियंसेस बहुत याद आ रहे हैं, और उनको ये एक्सपीरियंसेस खाली इस रिश्ते से रिलेटेड नहीं, उनको लाइफ ने अब तक जितने एक्सपीरियंसेस जिसने दिए हैं वो इनको बहुत याद आ रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिव मोड में हैं कि क्या हासिल किया, क्या हासिल किया या क्या गवाया।
अकेला, अकेलापन, सिक्स ऑफ वांड्स, ऑल राइट। फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, द चैरियट, ओके। कैंसर, स्ट्रांगली कैंसर की एनर्जी है ये, बात तो करना चाह रहे हैं आपसे। द मून फियर्स हैं, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। टेन ऑफ वांड्स, एक तो बात वो ये बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि वो क्या आपको कुछ दें, आप ऑलरेडी इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल रात वो बहुत कुछ ये सोच रहे थे। एक चीज़, वो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते, कुछ कमिंग डेज में आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं और वो इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ वो सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि वो बहुत तेज़ी से, बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना, उनके ये उनका ये फियर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि द मून, हैंगमैन, एट ऑफ कप्स और उसके बीच में बेचारा फंस गया ये चैरियट। और इस चैरियट कार्ड से वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात कि वो आए तो उनके बहुत सारे खदशात हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्पिरिट, मतलब एक स्पिरिचुअली परेशान कर रही हैं। उनको लग रहा है कि ये सब कुछ दुनियावी तौर पे नहीं हो रहा, ये सब कुछ किसी और वजह से हो रहा है, ये सब कुछ इस वर्ल्ड का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है, इस ज़िंदगी का नहीं है, ये सब कुछ कुछ अलग तरीके से हो रहा है। और प्लस ये कि यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं, प्लस ये कि विद द हर्मिट कार्ड और नीचे टेन ऑफ वांड्स है, और टेन ऑफ वांड्स के मिसाज जो है बहुत सारे कार्ड्स हैं, टू विच आई फील दीज आर ऑल दोज प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि आपने अपनी तौर पर हर पत्ता फेंक चुके हैं आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं। एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, और ये इनको आपसे भी बात करते हुए बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप इनको झिड़क देंगे, क्योंकि एज आई सेड वो अपने एंड पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग होकर आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते क्योंकि आपने बहुत कुछ संभाला हुआ है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल ऐसा क्लियर ऐसा लग रहा है दैट यू आर रेडी टू गो विद समवन। इनको ये बहुत फियर हो रहा है, और ये फियर इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर इन्होंने आपसे बात की तो आप इनको कोई न्यूज़ सुना देंगे, और ये कल रात बहुत ज़्यादा इन्होंने ये बात को सोचा है कि कन्फर्मेशन नहीं जैसे हो जाती, जैसे इनको कन्फर्मेशन हो गई है कि देर इज़ समवन इन योर लाइफ, ऐसी फीलिंग आ रही है। ओह गॉड, अगर ऐसा आ रहा है तो अल्लाह खैर ही करे। ठीक है, लेट्स सी, ओशोज डेक से देखते हैं कि कल रात ये क्या सोच रहे थे, कल रात ये क्या सोच रहे थे, कल रात ये क्या सोच रहे थे। ऑर्डिनरीनेस, ओके, गोइंग विद द फ्लो, चेंज, द रिबेल, ओके। एक तो सबसे बड़ा मसला इनके साथ ये है कि इनकी जिद ही नहीं टूट के चुक रही, इनकी अना जो है ना वो आगे आ जाती है। बैलेंस किसी हद तक ये कर चुके हैं, कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि शायद मैं अपने एंड पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए, जहाँ वक्त का बहाव जिस तरीके से लेकर जा रहा है जाने दो, चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, और जो भी चेंज आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ज़िद्दी हैं, मतलब अपनी बात इनको रखनी है, शायद यही चीज़ ये सोच रहे हैं। कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि अगर मेरी तरफ कम्युनिकेशन आई तो मैं अपने आप को डिफेंड और प्रोटेक्ट किस तरीके से करूँगा। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, और ओवर थिंकिंग करने की वजह से इन्होंने बहुत कुछ, इतनी सारी चीज़ें सोच ली हैं जो कि शायद एग्जिस्ट हो भी नहीं रही, और उस एग्जिस्टेंस में अगर दिमाग सटियार आए तो इनका खुद का सटियार है, आपका बिल्कुल भी नहीं सटियारा।
तो कल रात भी देखें बियॉन्ड इल्यूजन, बॉटम ऑफ द डेक बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि इनके दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं और ये कल रात भी यही सारी कहानियों में खुद ही कैरेक्टर बने हुए हैं, खुद ही फट्टे कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, मैं सुनूँ मेरा इजहार बंद वाली बात, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी चल रही है। लेट्स सी कि कल रात ये जो कुछ भी सोच रहे थे, जो कि जो ये नज़र आ रहा है, इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी हुई भी है। मैं अभी आपको बता दूँ, ये इनसिक्योर हैं, इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और ये कल रात बहुत सोच रहे थे और ये अपना इक्वल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने बैलेंस मेंटेन नहीं किया। किसी न किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा ये बनना चाह रहे हैं और आपके इक्वलेंट होने के लिए इनको बहुत टाइम चाहिए बिकॉज आपने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ज़रूरत से ज़्यादा संभाली हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आजकल, ये भी मैं बता दूँ, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिरे हुए हैं। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग के थ्रू या तो आप प्लान कर रहे हैं कि आप टैरो रीडिंग इनकी निकलवाएंगे किसी से, या आप टैरो रीडिंग के थ्रू अपने डिसीजन को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। और ये आपकी, ये हो सकता है कि आपके लिए इन्होंने टैरो रीडिंग करवाई हो। हाँ बिल्कुल, गॉट इट। लेट्स सी इनकी तरफ से चैनल मैसेजेस। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। सक्सेस की बात थी, सेलिब्रेशन की बात थी, मैंने अभी कहा था ये इनकी कोई न्यूज़ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। लो भाई, भाई मैं कुछ नहीं कर रही, देख लीजिए आप, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। बनकर आए थे कुछ और ये। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। गानों के लिरिक्स, गाने, ये सब इन आपकी इनको याद दिलाते हैं। और कल भी अगर ये कोई म्यूज़िक व्यूज़िक सुन रहे थे, कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे थे, उसमें कुछ गाने आए होंगे, कोई म्यूज़िक आया होगा, कोई ख़ास म्यूज़िक है जो आप दोनों ने शेयर किया, आपको इसकी याद दिलाती है, आपकी याद म्यूज़िक से इनको दिलाती है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। यकीनन भंड किया इन्होंने कुछ ना कुछ, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब मैं करती हूँ आपके लिए यस नो सेशन, जो कि मैंने नहीं किया था, बल्कि मैं पहले आपके लिए इस ब्यूटीफुल बुक से और मैसेजेस लेती हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4। लव इज़ ब्यूटिफुली ब्लाइंड। लव विल ड्रॉ एन एलिफेंट थ्रू अ की होल। ओके, ये तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। इनको अंदाज़ा हुआ है डेफिनेटली, आपके बहुत ही मेजर डिफरेंसेस हैं कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन देन। यानी मोहब्बत ने इतनी बड़ी इनकी लाइफ में इम्प्रेशन छोड़ा है, आपने इनकी लाइफ में इतना बड़ा एक इम्प्रेशन छोड़ा है जो इनको एक की होल है ना, यानी कि जो चाबी का जो होल होता है, उससे भी इनको वो मोहब्बत के लिहाज से दुनिया बड़ी डिफरेंट नज़र आती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए येस और नो सेशन क्या है। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस रीडिंग में मिल गया है उसका आंसर, तो वो क्वेश्चन मत पूछिएगा। मैं आप लोगों के लिए येस और नो आंसर निकालती हूँ। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। येस और नो सेशन मैं शुरू में बताना भूल गई थी, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। येस और नो सेशन आपके लिए, और फिर एंड में मैं आपके लिए एडवाइस दूँगी। कल रात वो क्या सोच रहे थे उस पर मैंने आपके लिए रीडिंग की है, और अब मैं आपके लिए येस और नो सेशन कर रही हूँ। 1, 2, 3। बी असर्टिव, इट्स अ येस, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये कल रात आपके लिए यही सब कुछ सोच रहे थे और ये आपके साथ कम्युनिकेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या मैसेज है विस्पर ऑफ लव से, क्योंकि ये मुझे लव रीडिंग लग रही है, ठीक है, क्योंकि आपके लवर के लिए ही पूछा है। लेट्स सी, इतने सारे, कैन यू इमेजिन। आप मेरी टेबल देखें ज़रा, आज मैं आपको अपनी टेबल का नज़ारा कराती हूँ। आप अमाउंट ऑफ डेक और इसका सामान देख रहे हैं आप, आज मैं आपको दीदार कराती हूँ। ये देखिए आप, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राइवेट रीडिंग से बहुत बिजी थी, तो परवरदिगार का बेहद शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रज़ाक को। मेरा मौला बेहद करीम है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है। सारी कुदरत, सारी तारीफ़ें उस ज़ाते बरहक के लिए। चलिए जी, आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे जाने मन व्यूअर्स के लिए, क्या एडवाइस? लेट्स सी।
अगर कल रात वो यही सब बातें सोच रहे थे तो क्या करना चाहिए आपको? द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई. इल्यूजन की बात यहां पर कंफर्म हो गई. शायद आप वो नहीं देख पा रहे जो आपको नज़रों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है. आपको जो कुछ भी आपके सामने है आप ज़रा ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखें. आप दोनों को एक तरह के एक ही तरह के ख्वाब आ रहे हैं. दोनों बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे का पुल फील कर सकते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 22, 2+2 4, 4 यूनियन का नंबर है, यूनियन होगा. ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल. सही है, और जो लोग इंटरनेशनली कनेक्ट कर रहे हैं कंट्री कोड पाकिस्तान का डालिए, आपको मैं व्हाट्सएप पे मिलूंगी. और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है? और ये सब कुछ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा. बाय बाय.